सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हेमकुंड में बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी तक 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं बर्फबारी को देखते हुए हेमकुंड जाने वाले बच्चों और बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को फिलहाल गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से गोविंद घाट और घांघरिया में ही रोक दिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से कुछ ही तीर्थ यात्रियों को आज हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर यानी कि कल बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शनिवार को 455 श्रद्धालुओं ने हेम सरोवर में डुबकी लगाकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेका। अभी तक 2,21,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं। एमकेएन न्यूज की रिपोर्ट।